हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का मार्केट तो देखा ही होगा आपने, और अच्छा खासा मार्केट रहा। मतलब अपसाइड भी पैसे दिया मार्केट ने आज, और डाउनसाइड भी। और देख सकते हैं आज की कैंडल जो बनी है डोजी टाइप से है। और कहा जाए तो आज का मार्केट जो बहुत खास रहा और अच्छा खासा रहा, और देखा जाए उस लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से, इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से, तो डाउनसाइड में भी अच्छा खासा पैसे दिया मार्केट ने, और अपसाइड में भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया कहा जाए तो। और अगर अब आगे के लिए देख लेते हैं, क्या अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर कैंडल को देखें तो हैमर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रेड कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम में। और रेड कैंडल ये कब बनी है, जब 7 वीक से ग्रीन कैंडल चल रही है, बनते हुए आ रही है 7 वीक से, हो गए मतलब 7 सप्ताह हो गए उससे ग्रीन कैंडल बनते हुए आ रही है, और इस वीक में बनी है रेड कैंडल। तो अब देख सकते हैं, अब इस वीक में बनी है अगर रेड कैंडल, तो अब आने वाला टाइम किस हिसाब से रह सकता है। जो मैंने कल बात किया था, आज अच्छे से बात करेंगे, बट कि आने वाला जो एक मंथ है, 2-3 महीने जो हैं अभी अपने 2024 चुनाव तक के लिए, तो 2-3 महीने में ये क्या होने वाला है। और एक अगर एक बार मंथली कैंडल भी देख ले, तो मंथली कैंडल क्या क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं अपन एक बार। तो अगर देखा जाए तो मंथली कैंडल पिछले मंथ भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी, और इस मंथ भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनने को जा रही है। अब देख लेते हैं 2-4 दिन में आने वाले 2-4 दिन जो बचे हैं उसमें क्या होता है। उसमें भी ऊपर ही अप साइड ही जाएगा मार्केट अभी, क्योंकि 2024 के चुनाव हैं, तब तक हर किसी को बुलिश ही रहना है। बीरस के लिए तो सोचना भी नहीं है 2024 अप्रैल मई तक, उसके बाद भी आने वाले टाइम में ही बुलिश रहेंगे। लेकिन अभी की जो कंडीशन है चुनाव, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव है और इंडिया में भी चुनाव है, तो अमेरिका का भी मार्केट नीचे तो जाएगा नहीं, मार्केट अमेरिका का भी नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि चुनाव है वहाँ पर भी, और चुनाव के टाइम में मार्केट हमेशा अपसाइड ही मूवमेंट देता है। तो अगर देखा जाए अपना जो मार्केट, एक बार देख लेते हैं कि अब कैसा क्या रहेगा। डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम बता दिया मैंने कि 7 सप्ताह के बाद में, सात वीक के बाद में इस वीक में रेड कैंडल बनी है, तो उसके मायने आप समझ सकते हैं। अगर डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये डोजी टाइप ही ग्रीन कैंडल बना आया है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ध्यान देना इस ट्रेंड लाइन को। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट अगर नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेगा मार्केट, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट चलेगा। अगर देखा जाए तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रखा है तब तक की बात है। अभी जो कल परसों डाउन फॉल हुआ था मार्केट, कल के दिन मॉर्निंग के टाइम पर 9:40 के आसपास में, 30 के आसपास में, इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लेके और अपसाइड रैली किया है। और अब हो सकता है ये रैली रुकने वाली ही तो ना हो, क्योंकि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें निफ्टी के लिए आने वाले टाइम के लिए, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस देख सकते हैं। कल जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया था ये मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपसाइड चला गया मार्केट तो फिर ऑल टाइम हाई में पहुंचने में निफ्टी को टाइम नहीं लगेगा, और ऑल टाइम हाई निफ्टी का 21,580 के आसपास में है, 80-90, तो उसका 600 के जैसे 21,600 को क्रॉस करता है मार्केट तो डायरेक्ट ऑल टाइम हाई ब्लू स्काई जोन रहेगा फिर
उसके बाद रैली आने ही हैं। और अभी 3-4 महीने में जो पैसे बनने वाले हैं लोगों के, उसको भूलना मत, क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव हैं, वो भी लोकसभा चुनाव हैं, तो बुलिश ही रहना मार्केट में अभी 3-4 महीने तो। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें एक बार निफ्टी का, तो एक ये सपोर्ट जो बन रहा है, ये एक सपोर्ट ये बन रहा है निफ्टी में 21,200 का, और जो दूसरा जो सपोर्ट रहेगा इसमें निफ्टी में, वो दूसरा जो सपोर्ट है अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट है 21,140 के आसपास में जो सपोर्ट है ये रहेगा। और रेजिस्टेंस में मेन रेजिस्टेंस यही है 21,350 का। अगर इसको निकाल लेता है मार्केट जैसा ही 21,400 के आस ऊपर जाता है मार्केट, तो 21,600 को भी टाइम ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा मार्केट को, तो ध्यान देना। और 21,600 को ब्रेक जैसे ही किया, उसके बाद ऑल टाइम हाई 3-4 ग्रीन कैंडल करके एक बड़ा सा अच्छा सा मूवमेंट रहता है उस टाइम पे, तो एक बार देख सकते हैं, ट्रैप नहीं होना, बस थोड़ा सा देख के अच्छा तगड़ा स्टॉप लॉस लगा के 600 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है 5 से 10 मिनट रोक लेना ट्रेड को, तो आराम से आपके डबल होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि उसके बाद ब्लू स्काई जोन आ जाएगा। और अगर उसके नीचे देख लें अगर निफ्टी को 21,100 अगर इसके नीचे देख लेते हैं निफ्टी, तो निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट ये रहेगा फिर 20,000 एक गैप भरने को आया था मार्केट उस दिन, लेकिन गैप भर नहीं पाया, 21,000 सपोर्ट लेकर निकल लिया मार्केट ऊपर। अगर 21,140 से नीचे आता मार्केट, तो 21,025 का सपोर्ट रहेगा, और 21,025 को अगर तोड़ेगा मार्केट, तो 21,025 को तोड़ के 854.50 का 20,850 का सपोर्ट रहेगा, और 20,050 को तोड़ता है तो ये डायरेक्ट सपोर्ट ये वाला आ जाता है अपना 20,770 का। ठीक है, निफ्टी के लिए ये तो अच्छी खासी रेंज है, और ध्यान देना कि थोड़ा सा बुलिश ही रहें तो अच्छा है। और अगर बैंक निफ्टी अब देख लेते हैं अपन एक बार, बैंक निफ्टी ये लो भाई, बैंक निफ्टी देख सकते हैं कितनी सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम में एक बार कैंडल देख ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी 4 ग्रीन कैंडल करने के बाद में इस वीक में रेड कैंडल बनाया है बैंक निफ्टी ने। 1 डे की कैंडल देखें बैंक निफ्टी की, तो जो कल कैंडल बनाया था अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, उसके हिसाब से आज की तो रेड कैंडल है। ठीक है, और अगर इसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लें बैंक निफ्टी को, तो ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी में, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है, और आराम से इस ट्रेंड लाइन को ध्यान देना नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करें, तो ये ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेगा ये। ठीक है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगा लेते हैं अपन, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही गया था मार्केट ने, कल जो मार्केट अपसाइड रैली किया है वो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही गया था ऊपर मार्केट। और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखें,
तो ये बैंक निफ्टी देख सकते हैं। अगर कल भी मार्केट को देखा जाए तो अच्छा खासा मार्केट गया था, जिस हिसाब से जाना चाहिए था बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ में, उसी प्राइस एक्शन से यहाँ से मार्केट एक बार देख लें। मार्केट ये गिरा, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आगे बढ़ा और फिर एक बार रीटेस्ट मारने आया मार्केट और फिर अपसाइड रैली किया, ये अपसाइड रैली किया, उसके बाद में फिर मार्केट डाउन आया और इसी जो रेजिस्टेंस पिछले सपोर्ट बना था उससे सपोर्ट लेके और फिर अपसाइड गया, उसके बाद फिर नीचे आया। अगर एक बार देख लें तो ये क्या बन गया, अगर देखा जाए इसमें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस रेजिस्टेंस से। अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी कहीं धोखा से क्लोज कर दिया उस दिन, नेक्स्ट डे मंडे को तो छुट्टी है, मंगलवार के दिन अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज किया है, अगर फ्लैट ओपन होके इसके नीचे कहीं क्लोज करता है बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा, उसके बाद फिबोनाची लगा लेना, उसके बाद फिबोनाची लगा के अच्छा खासा नीचे आ सकता है। अगर देखा जाए तो ये आ सकता है 46,500 के आसपास तक आ सकता है बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख गया ना, एक बार और दिखा देता हूँ कि वो कैसे बना हेड एंड शोल्डर। ये हेड, ये शोल्डर बन गया और ये बन गया हेड, ये हेड हो गया, ये शोल्डर। इसकी कहीं नीचे आज मार्केट क्लोज कर देता तो आराम से बीटीएसटी ले सकती थी बैंक निफ्टी की। ये हेड एंड शोल्डर ये ऐसा आ सकता है मार्केट, यहाँ से नीचे फ्लैट लेके रीटेस्ट लेके ये ऐसे आएगा मार्केट, आएगा तो क्योंकि प्राइस एक्शन देते हुए आएगा मार्केट। मार्केट ऐसे ही नहीं आता, और ऐसे ही आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग कहला जाती है। देखा जाए बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख ले, सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में 47,460 का जो सपोर्ट फर्स्ट है, और यही मार्केट ने क्लोज दिया है, वो 60 मार्केट ने तो यहाँ क्लोज दिया है, लेकिन 47,440 का जो सपोर्ट है, अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो एक 47,055 का एक सपोर्ट बन रहा है, और दूसरा सपोर्ट जो बन रहा है 46,566 का बन रहा है। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में, ये पहला रेजिस्टेंस, अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 48,000 का मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद में 48,200 का सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई में चला जाएगा बैंक निफ्टी। और जैसे ही बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई में गया, और ये 50,000 चुनाव के अभी जनवरी में ही टच कर देगा बैंक निफ्टी, इतना ध्यान रखना, 50,000 जनवरी में ही टच कर देगा बैंक निफ्टी, मेरी बात को ध्यान देना, बैंक निफ्टी जनवरी में ही 50,000 को टच कर देगा, ठीक है। और अगर चलो ठीक है, ये बात तो हो गई, अब इसके बाद अगर HDFC बैंक देख लेते हैं एक बार, HDFC बैंक क्या हुआ आज, HDFC बैंक में एक बार देख लेते हैं। अगर डे टाइम फ्रेम की कैंडल देखें, एक बीरस कैंडल बनाया है कहा जाए तो, और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल एक बार देख लेते हैं, ये इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हैं, आप देख सकते हो किस हिसाब से किस लेवल की ट्रेडिंग होती है। ये डोजी टाइप की कैंडल बनाया है बैंक HDFC बैंक ने वीकली टाइम फ्रेम में, और डे टाइम फ्रेम उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में HDFC बैंक
ट्रेंड लाइन आ रही है HDFC बैंक में, थोड़ा सा ध्यान देना। HDFC बैंक के हिसाब से ही बैंक निफ्टी चलती है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है HDFC बैंक में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देख लें HDFC बैंक को, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से ये देख लेते हैं अपन। पहले तो ये ट्रेंड लाइन का ध्यान देना, इस ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ मैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस तो HDFC बैंक में ये है, यही जो मेजर रेजिस्टेंस जो लगा है मैंने कल बताया था, बस उसी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके और HDFC बैंक नीचे आ गया, इसलिए बैंक निफ्टी भी आ गई थी नीचे। और अगर सेकंड रेजिस्टेंस देखें तो सेकंड रेजिस्टेंस HDFC बैंक में ये बन रहा है, एक बार अगर एक ट्रेंड लाइन आ रही है HDFC बैंक में ऊपर से, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को HDFC बैंक जैसे ही ब्रेक करता है तो अपसाइड का एक ट्रेड बना सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको जैसे ही HDFC बैंक अपसाइड में तोड़े तो HDFC बैंक ऊपर भाग सकता है। और अगर चलो ठीक है, रेजिस्टेंस तो बता दिए, इसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा HDFC बैंक में, पहला सपोर्ट तो यही रहेगा और अच्छा खासा सपोर्ट, तगड़ा सपोर्ट है ये, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है 1666 पहला सपोर्ट। और दूसरी अगर सपोर्ट की बात करें तो दूसरा सपोर्ट जो रहेगा ये वाला जो सपोर्ट है 1656 का 10 पॉइंट नीचे। उसके बाद जो तीसरा जो सपोर्ट है HDFC बैंक में 1650 का, और चौथा सपोर्ट है 1635 का, ध्यान रखना। और पांचवा सपोर्ट है 1621 का। नीचे तो आने के कम ही चांसेस हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने बता दिया 1700 का मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर अभी प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही HDFC बैंक तोड़ता है तो अपसाइड ट्रेड बना सकते हैं। उसके बाद अगर रिलायंस को अपन देख लें तो वन डे के टाइम फ्रेम में रिलायंस को देख लें, डोजी टाइप की कैंडल बनाया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देख लें, वीकली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, पिछले कैंडल जो थी हैमर कैंडल बनी थी। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, ओके, थैंक यू।